निर्मला सीतारमण जी की जो आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। इट वॉज मियर लिप सर्विस एंड आई वॉश। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 16 लाख डिपॉजिटर पीएमसी के हैं, वो जो सुनना चाहते थे, एक भी बात का उल्लेख नहीं किया गया। ना ही निर्मला सीतारमण जी ने ये एश्योरेंस दिया कि 16 लाख डिपॉजिटर का पैसा जो है वो सेफ है, ना ही उन्होंने ये बताया कि कोई मर्जर प्लान भी हो सकता है या रिवाइवल पैकेज की भी कोई बात या कोई उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। ये महज ऐसे लगता है कि उन्होंने पल्ला झाड़ा है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इट लुक्ड एज इफ इट इज़ अ बेल आउट पैकेज फॉर द डिफॉल्टर्स एंड नॉट फॉर द डिपॉजिटर्स। अगर ये सरकार दो रातों में आरे के पेड़ काट सकती है, तो 17 दिन तक ये पीएमसी बैंक का निर्णय नहीं कर सकती? 17 दिन हो गए, आज निर्मला सीतारमण जी ये कह रही हैं कि मैं शाम को आरबीआई गवर्नर से बात करूंगी, एक कमेटी बनाऊंगी और प्रोफेशनल लोग इस मामले को देखेंगे। क्या 17 दिन तक बीजेपी शिवसेना की ये सरकार सो रही थी? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है।